हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि तुम सब का डिमांड था कि चैप्टर 3 के ऊपर IMP क्वेश्चंस का वीडियो आ जाए, तो मैं आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, जो कि तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और जो तुम्हारा सप्लाई है, जो कि दोनों एक ही है, ए और बी पार्ट में बस इन्हें कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि थोड़े बड़े चैप्टर हो जाते हैं लेकिन दोनों एक ही चैप्टर से हैं। और इनका अगर वेटेज तुमको बता दूँ तो 8-8 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब कि 3A जो है तुम्हारा 8 मार्क्स का पूछा जाएगा कंपलसरी, और 3B जो है 8 मार्क्स का कंपलसरी आने वाला है। अब स्टार्टिंग के 1 और 2 चैप्टर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी IMP वाला वीडियो बना चुका हूँ, उसी पे तुम्हारे कमेंट्स आ गए। 3 वाले पे भी बना दो, ठीक है। एक पोल भी अटेंड किया था, उस पे भी तुम लोगों ने बोला था। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने यूनिट एग्ज़ाम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसका जाके आप वीडियो देख लो, आपको मिल जाएगा वीडियो सेक्शन के अंदर, या फिर प्लेलिस्ट चेक करना, उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगा और आप यूनिट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। अब वेल, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, जिसमें भी आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 3 का ही बताऊंगा। 4 मुझे नहीं लगता कि किसी यूनिट एग्जाम में पूछा जाने वाला है किसी भी कॉलेज में। अगर हाँ पूछा जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं देख लूंगा। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, जैसे कि तुम अब तक शेयर करते आए हो, वैसे ही अपने दोस्तों को शेयर करो और बताओ कि ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो कि आपकी हेल्प ऐसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे 3A जो कि डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले करके रखना है। अब मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम ये ग्राफ जो है ना एक बार बस समझ के जाना, ठीक है, रटना कभी मत, रट के कुछ फ़ायदा होगा नहीं। बस इसे समझ के जाओ कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कॉलेजेस में ना तुम्हें इसका डिस्टिंग्विश या तो पूछ लिया जाएगा या तो कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट बुक में ऐसे तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कितने यार, ये तो ऑब्जेक्टिव है, खाली आंसर इन डिटेल्स है, और फिर उसके बाद स्टेट वेदर एग्री डिसएग्री है और डिस्टिंग्विश है, तो बस इससे और आगे क्वेश्चन बनते ही नहीं। लेकिन जो तुम्हारे कॉलेज वाले हैं, जो टीचर्स है तुम्हारे इकोनॉमिक्स का, वो चेंज कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा यूनिट जो है एक प्रैक्टिस एग्जाम है, बोर्ड का पेपर नहीं है, जो कि एक परफेक्ट पैटर्न को बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाला है। वो पूरा जो है ना तुम्हारे टीचर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही पेपर वो अपलोड करेगा। तो हम कुछ बता नहीं सकते कि वो कैसा करेगा, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट वो डालेगा ही डालेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे कि इसके अंदर डिस्टिंग्विश के अंदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड दिया है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी दिया है। अब ये 2 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, यूनिट एग्जाम में कितने भी मार्क्स का, हालांकि डिस्टिंग्विश तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर फिर भी दे दे तो 2 मार्क्स के ऊपर देंगे नहीं, 3-4 मार्क्स का नहीं आने वाला है। तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज तो पढ़ के जाना है, प्लस डिजायर और डिमांड ये करके जाना है, समझ में आया, ठीक है। ये तीनों आपको कवर करने हैं। क्यों कवर करने हैं? क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आते हैं, आगे जाकर आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ डिस्टिंग्विश में नहीं रहेंगे, कोई भी सेंटेंस से रहेगा ना, कोई भी अगर मान लो किसी भी डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप उसमें एक एडिशनल पॉइंट ऐड करके अपना 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स गेन्स कर सकते हो आराम से। तो मैं आपको इसमें तो तीनों ही रिकमेंड करूंगा कि ये कर लो। जब बात आती है कि एग्री और डिसएग्री में उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें पहले डिमांड कर्व का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गिफ्ट एंड गुड्स को आप पढ़ के रखना, ठीक है। और ये सिर्फ ऊपर ऊपर से करके जाओ उतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये देखो प्राइस इज ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि डिटर्मिनेंट्स कितने, 9-10 है भाई, उससे ज़्यादा है जहाँ तक मुझे पता है, तो एक तो है नहीं, तो तुम कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड करके लिख दोगे, इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ और मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। अब यहाँ पे ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, जैसे कि मैंने बोला है करके रखना, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करके रखो, ये छोड़ना नहीं। और तुम चाहो तो इसको रट सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रटने की जरूरत है, क्योंकि सब में A+B+C ही करना, तो अगर ये आ भी जाए ना तो बहुत ईजी। अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से कौन सा करना है। अब 8 मार्क्स का आपको देखो बोर्ड एग्जाम में 12th स्टैंडर्ड में जब बोर्ड दोगे 8 मार्क्स का कंपलसरी आएगा, ठीक है। तो अब यूनिट एग्जाम में 8 मार्क्स का देंगे कि नहीं देंगे उसका पता नहीं, दे भी सकते हैं, जो जाहिर सी बात है देंगे, तो अगर आता है 8 मार्क्स के लिए तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन करके रखना है, नहीं तो आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे जरूर जाना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ के जाओ, टोटल आपको ना 9 पढ़ना है, 9 से ज़्यादा मत पढ़ो। आप 9 कौनसे भी पढ़ सकते हो जो आपको इजी लगे, 9 पढ़ो, 9 में मिनिमम आपके 2 सब पॉइंट्स रहने चाहिए। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से ब्रीफली डिफाइन करूँ तो देखो यहाँ पे आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, इसमें टोटल देखा जाए तो 11 है, ठीक है। तो 11 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 8 या 9 लिखो। मैं रिकमेंड करूंगा कि 9 लिखो, लेकिन 9 में मिनिमम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कैसे, यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट से चालू हुआ और फिर आपका यहाँ पे जाके मान लो कि प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर तक खत्म हो गया, ठीक है।
और फिर एंड को हटा के मैं इसको दूसरा पॉइंट बना दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा दिस लीड टू डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक और एक्सेट्रा ऐड कर लूंगा, उसको दूसरा पॉइंट बना दूंगा, हो गया। मिनिमम ऐसे ही दो सब पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए, हेडिंग आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, टोटल आपको 9 से 8 लिखने जरूरी है अगर 8 मार्क्स का आता है तो, नहीं तो एक्सेप्शन को भूलना नहीं। एक्सेप्शंस को बहुत ज़्यादा जल्दी मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि यार वो करके रखना, क्योंकि इसमें जितने भी लॉ ऑफ डिमांड या कोई भी लॉ के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पूरे इकोनॉमिक्स में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉ को करने का एक तरीका होता है जो कि मैं पहले ही बताया था और अभी भी बता देता हूँ कि लॉ को तुम किस तरीके से कर सकते हो। अब लॉ ऑफ डिमांड तुमसे पूछा है एक्सेप्शन के साथ, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अजम्पशन पहले लिखना ज़रूरी है। अब अजम्पशन तुम्हें 9 से 10 नहीं लिखना, 4 से 5 अजम्पशन लिखो, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन लिखना चालू करो। लेकिन उसका भी एक तरीका है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे किधर यार लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है, तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, फिर जो उसका स्टेटमेंट ऑफ लॉ है जो उसका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये दिया है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये जो इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें लिखना मस्त है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे कुछ अजम्पशंस आते हैं, 4 से 5 अजम्पशन लिख लेना, और उसके बाद जो तुम्हारा लॉ ऑफ आता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे के तुम जो मिनिमम 5 या 6 एक्चुअली एक्सेप्शन पूछा है तो सारे लिख दो, जितने एक्सेप्शन है उतने सारे लिख दो, तो टोटल इसके अंदर 6 ही एक्सेप्शन है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा और बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। और मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ना स्पेकुलेशन में आ सकता है, इसमें तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हाँ जिस भी बंदे को प्रॉब्लम्स आता है कि उसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा नहीं जाता तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर बता दूंगा। तो बस इन दोनों को तो मैं आपको मस्त बोलूँगा कि करना ही करना है, आपको ये छोड़ना नहीं, लेकिन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ, लेकिन एक्सेप्शन वाला आपको मोस्टली उसे क्लोजली तरीके से एनालाइज करना है और अच्छे से लर्न करके जाना है। अब जो तुम्हारा सप्लाई है, सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट एक आंसर बनता है जो कि मैं पहले से ही सोचा था, कब से उतावला था बताने के लिए, वो है तुम्हारा भाई जो कि इसके जो प्राइस इलास्टिक है ना उसके अलग अलग टाइप जो कि पूछे बहुत जाते हैं आराम से। अब पहले डिस्टिंग्विश की बात कर लेते हैं कि डिस्टिंग्विश में तुमसे कौन सा आता है, तो परफेक्टली कर लेना, ये करके जाना, ठीक है, इसको तुम छोड़ सकते हो, उतना कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, अब आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंस ऑफ ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको एक्सप्लेन करने के 2 क्वेश्चन करके रख लूँ। और यहीं पर नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एक सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तुम्हें करके रखना है, ये बोर्ड के एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तुम्हारा इकोनॉमिक्स का टीचर तुमसे या तो ग्राफ में कुछ पूछ लिया जाए या फिर कुछ ऐसे बोल दिया जाए कि भाई डिस्टिंग्विश बता दे मुझे परफेक्टली और इनपरफेक्टली लिखा, तो तुम बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, अब तुम्हारा हुआ है तो बता पाओगे ना, तो इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है उसको पढ़ के जाना, ठीक है। और तुम्हें बेसिक चीज़ तो एटलीस्ट कम से कम पता होगा कि मेरे भाई टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 ही चीज़ आते हैं, इनकम ग्रॉस प्राइस। कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों को यही नहीं पता कि कितने टाइप्स के इलास्टिसिटी है और बस उनमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए तो फिर आपके 1 मार्क्स सीधे से कट जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर ना इतना ही है आपको, हाँ इकोनॉमिक्स टर्म्स करके देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ओके, तो इस पूरे 3A और 3B को मिला के इतने ही चैप्टर बनते हैं, मतलब इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर का नहीं आने वाला है। ग्राफ तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि एक बार समझ के जाओ, कुछ होने वाला नहीं है उसमें, रट्टा मारा जा नहीं सकता, ठीक है। और जो रही बात है लॉ तो पढ़ के जाना, दोनों में से किसी एक लॉ करके रखना, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वो पढ़ के जाओ, अगर तुम्हारा लर्न नहीं भी होता तुम समझ के जाते हो, ग्राफ समझ लेते हो, तो तुम ग्राफ के बेस पे अच्छा खासा अपना पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1-2 मार्क्स काट लेंगे, 8 में से 5 भी मिल रहा है तुम्हें तो सही है, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 6 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। याद रखना यूनिट तुम्हारा सिर्फ प्रैक्टिस होता है, उसके बाद सेमेस्टर आएगा तो उसका भी वीडियोस आ जाएगा, तो यूनिट को यूनिट की तरह ही लो, ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो वीडियो में बस इतना ही था, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, और बताना हाँ पहले कि कितना कैसा लगा तुम्हें वीडियो, और हाँ टेस्ट अटेंड कर लेना, इकोनॉमिक्स का, SP का, OC का सबका ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बताना कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।